नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर सुजय आचार्या। मैं हूँ मैथ टीचर, एज कम मैं सीबीएसई आईसीएसई वाला का भी टीचर हूँ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ाता हूँ। ये मेरा चैनल के पहला वीडियो है। मैं पहला वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में, वो है पास्कल ट्रायंगल। इसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा मजा वाले देने में चीज है, जिसमें सारे एल्जेब्रिक फॉर्मूला को हम ऐसे ही निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल के हिसाब से। तो ट्रायंगल को लिखने का तरीका मैं पहले बोल दे रहा हूँ। पहले वन लिखो, फिर इसका लेफ्ट साइड में वन और राइट साइड में वन लिखो। पहले वन लिखा, इसका लेफ्ट में वन, राइट में वन, फिर इसका लेफ्ट साइड में वन लिखो। लेफ्ट साइड में इन दोनों को ऐड करो, वन प्लस वन करके टू करो और राइट साइड में वन लिखो। फिर इसका लेफ्ट साइड में वन लिखो, इन दोनों को ऐड करके वन प्लस टू करके थ्री लिखो। इन दोनों को ऐड करके थ्री लिखो, इन दोनों को ऐड करके वन लिखो, ऐसे लिखो। फिर एक काम करो, इसका पहला वन लिखो, इसका लेफ्ट साइड में वन लिखो, वन प्लस थ्री करके फोर लिखो मिडिल में, और सिक्स प्लस इसका थ्री प्लस थ्री करके सिक्स लिखो, और थ्री प्लस वन करके फोर लिखो। फिर इसका लेफ्ट साइड में वन लिखो, ये दोनों को प्लस करके फाइव लिखो, ये दोनों को प्लस करके टेन लिखो, ये दोनों को प्लस करके टेन लिखो, ये दोनों को प्लस करके मिडिल में फाइव लिखो, वन लिखो। ऐसे तरह ऐसे हिसाब से फॉर्मूला को जितना भी चाहो बढ़ा सकते हो। इसका वन लिखो, इसका वन लेफ्ट साइड में वन, और वन प्लस फाइव इक्वल टू सिक्स लिखो, फाइव प्लस टेन इक्वल टू फिफ्टीन लिखो, टेन प्लस टेन ट्वेंटी मिडिल में लिखो, टेन प्लस फाइव फिफ्टीन मिडिल में लिखो, और वन प्लस फाइव सिक्स लिखो, उसका राइट साइड में वन। एक ट्राइंगल का फॉर्मेट में बन रहा है, एक ट्राइंगल का फॉर्मेट आ रहा है ट्राइंगल, इसका नाम है पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ने बनाया था इस ट्राइंगल। अब उसके हिसाब देखो, पहले जो करेंगे हम a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करेंगे, इसका फॉर्मूला मैं इधर से, जब इंडेक्स टू होगा, ये इंडेक्स जो होगा इंडेक्स टू के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करो। तो देखो, पहले इसका कोफिशियंट क्या है, वन है, तो इसका स्टार्ट होगा कैसे, वन ए स्क्वायर से स्टार्ट होगा, मतलब वन इंटू ए स्क्वायर से स्टार्ट होगा। फिर टू है, प्लस लगा दो, टू है, इसका पावर एक कम जाएगा, इसका पावर एक कम हो जाएगा, और उसको समान देने के लिए बी एक पावर है, मतलब इसका पावर एक कम हो जाएगा और इसको पावर को टू करने के लिए बी आ जाएगा। फिर इसका कोफिशिएंट क्या है, वन, वन लिखेंगे, वन इंटू बी स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन वन तो हम किसी पे नहीं लिखते, इसीलिए इसको हम हटा देंगे। वन तो हम किसी भी चीज पे वन नहीं लिखते, इसीलिए वन को मैंने हटा दिया। समझ में आ गया, पहले क्या किया, ए से स्क्वायर से स्टार्ट किया, और जो हिसाब से वन हो रहा है इसका हिसाब से टू हो रहा है, इसके हिसाब से फिर वन हो रहा है यहाँ पे, और देखो ए स्क्वायर आ रहा है प्लस टू ए, एक पार इसका कम जाएगा, इसका पार बढ़ जाएगा, फिर इसका पार कम होकर जीरो हो जाएगा, इतनी पार जीरो, इसका पार कम के इतनी पार जीरो हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं, और बी का पावर बढ़ जाएगा। फिर देखो, जब क्यूब का फॉर्मूला निकालेंगे, क्यूब का देखो ए प्लस बी का जब होल क्यूब निकालेंगे, उसका फॉर्मूला जब निकालेंगे इस हिसाब से करो, ये करने के स्टार्ट करेंगे, वन वन लिखने का जरूरत नहीं, ए क्यूब प्लस ए क्यूब होगा प्लस थ्री है, प्लस थ्री इसका पावर कम हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको देने के लिए क्या आएगा, बी आएगा। देखो यहाँ पर बी का वैल्यू वन आएगा, क्योंकि वन प्लस टू करके थ्री इसका बराबर आना चाहिए। हर चीज में देखो, वन प्लस वन टू, टू हर चीज में जो पावर इसका बराबर होना चाहिए। फिर देखो इसके हिसाब से थ्री लेना है, इसका पावर कम हो जाएगा और इसका पावर एक बढ़ जाएगा, ए होगा इसका पावर कम होगा वन कमेगा, ए होगा इसका पावर वन बढ़ेगा, तो बी स्क्वायर होगा। फिर जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब इसका आगे जो नंबर है, बी क्यू हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर देखो ए प्लस बी का जो होल फोर है, इसका फॉर्मूला जब आएगा, इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये इंडेक्स फोर के लिए ये सीरीज लेंगे, तो क्या आएगा, ए फोर प्लस पहला आ गया प्लस फोर आएगा, फोर और इसका पावर कम आ जाएगा, मतलब ए क्यू बी आ जाएगा। फिर सिक्स आएगा, प्लस सिक्स आएगा, इसका पावर कम आ जाएगा, इसका पावर बढ़ जाएगा, स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका पावर कम, ये फोर लेना है, फोर लेना है, ये इसका पावर कम हो जाएगा, इसका पावर बढ़ जाएगा, ये बी क्यू हो रहा है, और इसका वन है, वन लिखने का जरूरत नहीं, बी फोर लिख देगा, बी फोर लिख दो, क्योंकि यू टू दी पावर ए टू दी पावर जीरो वन हो रहा है, किसी का चीज़ का वैल्यू वन होगा, पावर का वैल्यू वन हो जाएगा, इसी के हिसाब से। अब फाइव का निकालना है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आसानी से करो, तुम लोग इधर से स्टार्ट कर दो, ए फाइव प्लस फाइव करो, इसका पावर कम आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए फोर बी प्लस क्या होगा,
टेन ए क्यूब बी स्क्वायर एक बार कौन जा जाएगा, फिर क्या होगा टेन होगा, फिर टेन ए इसका पावर कौन हो गया स्क्वायर बी क्यूब प्लस फाइव लेना है, फाइव लेने के बाद क्या होगा फाइव ए बी फोर और क्या होगा इसका वन है तो बी फाइव हो जाएगा। अब तुम लोग का जो काम यहाँ पे दे रहा हूँ वो होगा ए प्लस बी प्लस सिक्स का होल सिक्स, ऐसा तुम लोग निकालो ऐसे इसी तुम लोग ए प्लस बी का जो होल सिक्स ये फॉर्मूला तुम लोग निकालो। ये पास्कल ग्रेडिएंट से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं मैं तरीका इसको बता दिया। नमस्कार।